जी गाइस, आज ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे कि ना अमेरिका इज़ ए वेरी बोरिंग प्लेस। बिल्कुल घूमने की, जैसे कहते हैं ना घूमने गया हूँ मैं, घूमने की जगह नहीं है, बहुत ही मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बेकार जगह है ये देश घूमने के लिए। ठीक है, लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है ना, इतना बड़ा हुआ जैसे कोई पागल होता है उसका दिमाग ही काम नहीं करता। एक चक्कर है, जो बंदा घूमने आता होता है उसने पैसे खर्चे होते हैं, वो लोगों जाके क्या बताया कि मैं यार पता नहीं कितने पैसे फूक के आ गया। ठीक है, वो क्या बताया लोगों को, मैं इतने सारे पैसे फूक के आ गया और मैं बेवकूफ बन गया, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो वो आके लोगों को बताता है, नहीं नहीं बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। और जो लोग बेचारे एक बार भी नहीं देखा होता, वो कहते हैं हाँ यार पता नहीं क्या घूम के आया, अरे वाह यार मैं भी जाऊंगा, इतना पैसा भी लगे इतना। साला इंडिया के अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, जिसने जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है वो साला अमेरिका घूमने आ रहा है, जो अच्छे नॉर्मल पैसे कमाता है वो जाता है इंडिया के अंदर या इंडिया के आसपास के एरिया में भी, बाली, थाईलैंड, राइट, दुबई घूम के आता है। यहाँ जो सारे अमीर लोग हैं कहते हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। अरे बेवकूफों, अमेरिका कोई घूमने की जगह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक रद्दी क्लास घटिया जगह है घूमने के लिए, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोरिंग जगह है। हर शहर सिमिलर है, हर शहर वेरी वेरी सेम, हर शहर में एक डाउनटाउन के आसपास एरियाज बने हुए हैं। ठीक है ना, सबर्ब्स कह लो उनको, सबर्ब जब डेवलप हो जाते हैं सारे सबर्ब्स सेम होने वाले हैं। अब शिकागो में 50 होंगे सबर्ब्स या 100 होंगे सबर्ब्स, किसी और जगह पे जैसे 25 होंगे, और वो सारे सबर्ब्स का एक ही फॉर्म होगा, सेम कॉस्को, सेम होम डिपो, सेम ये, सेम इन एंड आउट, सेम मैकडॉनल्ड, सेम बर्गर किंग, सेम सबवे, सारा कुछ सेम होगा। दे नो हाउ कितनी पॉपुलेशन को ये एक जे पूरा ये सिर्फ 100 स्टोर इकट्ठे एक जगह पे लगा दें तो कितनी पॉपुलेशन को करते हैं, ये सब जगह क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और बस यही चल रहा है, बस हर जगह जाओ, इसको मैं कह सकता हूँ एक एरिया कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं जैसे एक फॉर्मूले के तौर पे एक ये पॉड है, बस एक पॉड है, ये पॉड वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे पैसे आने लग जाते हैं, पैसे जाने लग जाते हैं, इतनी बोरिंग जगह वो बनती है, सेम एज एग्जैक्टली। अब चारों कोनर जाओगे सब जगह सेम है, मिडल में, दूर पास, थोड़ी बहुत ही नेचुरल ब्यूटी का फर्क है उसका भी बता देता हूँ। उन्होंने उसको भी इतना ज़्यादा स्ट्रीम ने इतना ज़्यादा कमर्शलाइज करके सेम सी बना दिया है, हर सिटी के पास एक केव होगी, हर किसी के पास एक माउंटेनियस एक हाइक होगी, मल्टीपल हाइक्स होंगी, हर सिटी के आसपास कोई लेक होगी, साली वो लेक इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई होगी, उसके आसपास वही सब एरियाज होंगे, कवर्ड शेड होगा, ये वो सब जगह सेम, सब जगह सेम होने वाला है, सारे पूरे अमेरिका में सेम जगह होने वाली है, सारे एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही घटिया सा गंदा सा टेस्टलेस खाना खाते हैं सारे। इंडिया से 3 गुना बड़ा है अमेरिका, 3 गुना। अरे इंडिया में हर 200 माइल के बाद, 100-200 किलोमीटर बाद कल्चर चेंज हो जाती है, खाना चेंज हो जाता है, पहरावा चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाती है, मज़ा आता है उन जगहों को देखने में, उन जगहों को एक्सपीरियंस करने में, उनके आर्किटेक्चर बदल जाते हैं, उनकी एंशियंट हिस्ट्रीज होती हैं, पुराने मंदिर होते हैं, पुराने महल होते हैं, उनको देखने में मज़ा आता है। हर शहर हर देश में झील होती है, कोई कोई लेक होती है, कुछ डिफरेंट होता है सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ सेम होने वाला है। अगर एक कोई अगर कोई रिवर है उसके आसपास सेम वो ही सब होने वाला है, हर चीज हर जगह पे एक ऐसे कुछ होगा, हर जगह पे माउंटेन्स होंगी, हर जगह पे हिली एरिया होगा, हर जगह पे आसपास कोई बीच होगी, हर जगह पे ये सारा कुछ होता है, हर जगह पे सेम एग्जैक्ट सारी बीचेस सब साली सेम होने वाली हैं, सारे जो होटल्स हैं सेम होने वाले हैं, सारे होटल्स की पॉलिसी सेम है, गंदा सा सड़ा सा बेड एंड ब्रेकफास्ट में 4 मफिन हो जाएंगे, ये गंदा सा घटिया सा ब्रेकफास्ट सब जगह सेम होने वाला है। घूमने जा रहे हो मकाओ में जाओ, अगर आपको लगता है लकाओ में लास वेगास पूछा तो मकाओ में गया तो बड़े ज़्यादा बड़े होटल्स हैं, वही बिल्डर्स हैं, वही कंपनीज हैं जिनके वो होटल्स हैं, आप क्यों आ रहे हो इस घटिया सी जगह में। ठीक है, अगर आपको लगता भी है टाइम स्क्वेयर एक शिट स्क्वेयर है साला, बेवकूफों का अड्डा, एक बेवकूफ, अरे क्यों आते हो तुम इतनी घटिया जगह पे, है क्या चुरा, दैट्स इट, बेकार, ना हिस्ट्री, ना कोई कल्चर, ना कोई 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 खास कोई उसकी वजह, बस ऐसी पागलों की तरह से सब दोस्तों को बताने के लिए पैसा फूक के यहाँ पे आते हो, और बेवकूफों की तरह, और यहाँ पे आते सारी एयरपोर्ट के ऊपर सारा सामान खुद उठा, सारे काम खुद कर, सारा टैक्स राइट, पैसे फूको सारे के सारे, खाना गंदा सा टेस्टलेस, हर सिटी में सेम वही जगह होने वाली है,
पता नहीं क्यों दुनिया यहाँ पे घूमने आती है, कोई घूमने की जगह नहीं है, ये कोई रिलैक्स करने आए थी। रिलैक्स क्या करोगे अमेरिका में, ना आपका यहाँ पे ना आपका चाय का इंतजाम, ना पानी का, ना रोटी का, ना खाने का, कुछ टेस्टलेस खाना, रिलैक्स क्या हुआ। अगर आप जाते हो इंडिया में किसी क्लब महिंद्रा के किसी उसमें जाते हो रिजॉर्ट में, तो आपको कितना अच्छा खाना मिलता है सवेरे दोपहर शाम। यहाँ पे टेस्टलेस घटिया नकली प्लास्टिक वाला खाना जो इनके FDA सिस्टम ने FDA ने बनाया होगा, अप्रूव किया होगा, गंदा घटिया खाना। यहाँ पे जितनी सारी फैसिलिटीज हैं वहाँ पे सारा का सारा यही चलता है, सब घटिया। कोई मतलब कोई भी सर्विस लोगे तो इट इज ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। टू इट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव बेसिकली, ठीक है। वैले पार्किंग है तो वैले साला वैले ही करेगा, बैग नहीं डाके देगा, बैग वाला बैग लेके जाएगा, मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। थोड़े बहुत आपके दो काम हो जाएंगे, मुझे आगे मत सुनाना कि दो काम तो हमने करवाए थे, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, बस एक आधे काम है, कैंड काम है, वो कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आपकी सारी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं होगी, आप टैक्सी से निकालने का काम कई बार आपको खुद करना पड़ जाएगा, आपका दिमाग लगा लो जितना लगाना है, राइट। एयरपोर्ट पे फिर आपको टैक्सी में डालना पड़ जाएगा, मतलब आप कभी वो शाही लाइफ तो कभी कर सकते, शाही वेकेशन तो आप होती नहीं है। दुनिया की सबसे घटिया जगह है घूमने के लिए, कभी भी शाही लाइफ नहीं होगी, बिल्कुल एक बेवकूफ लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए बेवकूफ लोग, जो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो अमेरिका घूमने आते हैं। मैं अमेरिका में रह रहा हूँ 25 साल से भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी ज्यादा ना मत लगाना, बता रहा हूँ तुम्हें मैं। इतनी ज्यादा हर चीज इतनी सेम है ना, हर शहर में जाओगे इतना सेम है ना हर चीज। 17 माइल ड्राइव शिट ड्राइव है, शिटियस्ट ड्राइव, कुछ नहीं है। एक घंटे US-1 हाईवे पे एक घंटे कहीं पे भी घूम लो सेम है, एक घंटे घूम लो आपको पता चल गया क्या है, अब सब जगह रिपीट होगा। आप एक घंटे से ज्यादा दोबारा देख के दिखा दो यार, आप उसी चीज को बार बार वही सेम सीनरी आती है, सेम वही सीनरी आती है बार बार, कुछ नहीं है इसमें। अमेरिका में घूमने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूजलेस जगह है बिल्कुल घूमने के लिए, यूजलेस। सब जगह सेम, सारी जगह अमेरिका की सेम, सेम टू सेम बोरिंग। कोई बिल्डिंग में आर्किटेक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रीमलाइन वे में बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव वे में, तो सारा सेट हो चुका है, उसी हिसाब से बिल्डिंग्स बनती है, राइट। कोई वो नहीं है। अब आपको देखो सारी जो दुनिया भर में अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कहीं और बन रही हैं, दुबई बन रही है, हांगकांग बन रही है, उधर सिंगापुर बन रही है, उधर ताइवान बन रही है, उधर बन रही है, चाइना में बन रही है, बहुत सारी इंडिया में भी बन रही है। यहाँ नहीं कुछ बनेगा कभी भी, यहाँ कुछ नहीं कभी बनता, क्योंकि ये कंट्री दुनिया का सबसे बोरिंग और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में हर चीज सेम टू सेम बनाते हैं, हर चीज सेम टू सेम। बहुत ही बेकार जगह है घूमने के लिए, आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा बेकार जगह अमेरिका है घूमने के लिए। कभी ना यहाँ पे घूमने जाओ, गलती से कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, मैं आई एम नॉट किडिंग, यहाँ पे छोटा सा आपको कोई छोटा सा पंगा पड़ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर का बिल है।